हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मामून। गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा की तरफदारी करते हुए कहा है कि रोहित शर्मा को T20 का नया कप्तान नियुक्त किया जाना चाहिए। रोहित शर्मा विराट से बेहतर T20 कप्तान है, लेकिन हाल ही में ICC ने विराट को लेकर T20 सहित वनडे और टेस्ट का ICC प्लेयर ऑफ द डिकेड नियुक्त किया है। यानी विराट कोहली किसी एक दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है। और भी कौन है इस लिस्ट में शामिल, जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारतीय कप्तान विराट कोहली और ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित करने की मंगलवार को घोषणा कर दी। कोहली और अश्विन के अलावा इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट, इंग्लैंड के कप्तान केन विलियमसन, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, दक्षिण अफ्रीका के डिविलियर्स और श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा को भी नामित किया गया है। विराट कोहली को इस सम्मान में ICC प्लेयर ऑफ द डिकेड, ICC ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड, ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड, ICC T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड से नामित किया गया है। इसके साथ ही ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड द डिकेड से सम्मानित किया गया है। वहीं ICC वुमेन वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड में मिताली शामिल की गई हैं। इसके अलावा कई और भारतीय खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है, जिसमें रंगना हिराथ और यासिर शाह शामिल है। पुरुषों की दशक वनडे टीम में कोहली, लसित मलिंगा, मिशेल स्टॉक, डिविलियर्स, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और कुमार संगकारा शामिल हैं। पुरुषों की T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड के लिए कोहली, रोहित, मलिंगा, राशिद खान, इमरान ताहिर, एडन फिंच और क्रिस गेल को नामित किया गया है। क्रिकेट से जुड़ी और भी अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।